ये है दिल्ली दर्पण। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया गया और भीड़ को नहीं रोका गया तो अगले 6 से 8 सप्ताह में देश में वायरल संक्रमण की अगली लहर दस्तक दे सकती है। गुलेरिया ने दोहराया कि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि संक्रमण की अगली लहर में बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। इससे पहले भारत में महामारी वैज्ञानिकों ने संकेत दिया था कि कोविड 19 की तीसरी लहर अनिवार्य थी और सितंबर अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद थी। गुलेरिया ने समाचार एजेंसी PTI से कहा, अगर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है तो तीसरी लहर 6 से 8 सप्ताह में आ सकती है। हमें एक और बड़ी लहर को रोकने के लिए आक्रमण तरीके से काम करने की आवश्यकता है, जब तक कि हम टीका नहीं लगवा लेते। उन्होंने कहा कि कोविड हॉटस्पॉट में आक्रमण निगरानी की आवश्यकता है और मामलों में अधिक वृद्धि के कारण लॉकडाउन है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी विशेष क्षेत्र में मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और संक्रमण दर 5% से अधिक होती है तो क्षेत्र विशिष्ट लॉकडाउन और रोकथाम के उपायों को लागू किया जाना चाहिए। हालांकि आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय स्तर का लॉकडाउन समाधान नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर